हेलो दोस्तों, ए टू जेड डस्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नेवी एमआर कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एनजीएस का मॉक टेस्ट नंबर 15, ठीक है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसको करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने मिलकर के आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, जिसमें डीबी जीडी और यांत्रिकी आता है, एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 10 सेट है उसमें, ठीक। अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी अच्छे से करनी है ना, तो आप ये टेस्ट बुक ले लीजिए, है ना, जिसका जो प्राइस है बहुत ही कम है ना। इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है ना। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस पर बुक को जरूर खरीदें, है ना। जिसमें इसमें मतलब सिलेबस के अनुसार, जो भी सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार है ना, इस टेस्ट को यानी इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 15, ठीक है। तो इसको आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में एक महीना का नाम नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके अनुसार महीना का नाम नहीं है। आषाढ़ नक्षत्र है ना, द्वादश पूर्णिमा। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आषाढ़। आषाढ़ जो है ना, भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक महीना का नाम है ना, एक महीना का नाम है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। और ये जो नक्षत्र है, द्वादश है, ये सब महीना का नाम नहीं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है। भारतीय कैलेंडर में पहला महीना जो होता है वो होता है चैत होता है ना, चैत्र। और अंतिम महीना जो होता है वो होता है फाल्गुन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। सबसे अंतिम माह होता है फाल्गुन और सबसे प्रथम माह जो है वो है चैत। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से, मतलब भारत का जो नाम रखा गया वो किस प्रतापी राजा के नाम पे रखा गया, महाराणा प्रताप चंद्रगुप्त मौर्य, भरत भरत चक्रवर्ती कि अशोक चक्रवर्ती। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जो थे एक भारत के महान है ना, एक महान राजा थे, उन्हीं के नाम पे है ना, उन्हीं के नाम पे भारत का नाम मतलब भारत रखा गया। भारत के नाम पे ही भारत का नाम क्या रखा गया, भारत रखा गया। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है ना, गीता रहस्य जो है एक पुस्तक है ना, इसको किसने लिखा था, यानी इस पुस्तक को, इसकी बुक को किसने लिखा। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय कि पंडित बाल गंगाधर तिलक और पंडित मदन मोहन मालवीय। बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, बाल गंगाधर तिलक। यानी गीता रहस्य जो है वो किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक जिसे बोला जाता है ना। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो। अब देखिए कल हमने आप टेस्ट में किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखा था, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के बोल सकते हैं, है ना। और हाँ, आप कॉपी और पेन लेकर सेट जरूर लगाइए, ठीक है, और जिसका जितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर शेयर शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ एक बात और है कि अगर आपने इसका है ना, इस मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है 1 से लेकर के 14 तक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, भारत की सबसे बड़ी शहर कौन सी है, यानी भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मुंबई। भारत की सबसे बड़ी शहर जो है वो कौन सी है, मुंबई है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच मुगल रूलर बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, यानी कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने दिल्ली में लाल किला, देखिए दिल्ली लाल किला का नाम लाल किला क्यों पड़ा है ना। देखिए इसकी जो दीवारें हैं
ना, इसकी दीवार को लाल रंग से पेंट किया गया है, लाल रंग से पेंट किया गया है, इसलिए है ना इस किले का नाम लाल किला रखा गया, ठीक है। और इसको जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ये भी एक मुगल शासक, मतलब मुगल शासक थे इन्होंने, शाहजहां। ये जो है दिल्ली में स्थित है ना, दिल्ली में लाल किला स्थित है, जिसे बनवाया था किसने, शाहजहां ने। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि जो लाल किला है हमारा है ना, लाल किला को यूनेस्को में कब, मतलब यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर सूची होता है ना, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, विश्व धरोहर सूची है ना, यूनेस्को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे कब रखा, तो इसे 2007 में शामिल किया गया। लाल किला को 2007 में विश्व धरोहर सूची यानी यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। इसलिए हमारा जो, अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी यानी लाल किला को किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्यास्त के बाद भी है ना पृथ्वी की सतह के पास की हवा के कारण गर्मी प्राप्त करना जारी है, किन मतलब किसके कारण, आपतन, स्थलीय विकिरण, की प्रवाहकत्व, की कन्वेंशन। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थलीय विकिरण का, स्थलीय विकिरण के कारण होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि सूर्य के बाद भी, सूर्यास्त के बाद, जब सूर्यास्त के जो शाम हो जाता है ना, शाम होने के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास हवा के कारण गर्मी प्राप्त होती है ना, क्यों, क्योंकि स्थलीय विकिरण, स्थल पे क्या होता है, सूर्य के विकिरण, मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है हमारे पास विकिरण माध्यम से होता है, और विकिरण माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है, उसी के चलते क्या होता है यहाँ पे गर्म हवा चलती है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा होगा क्या, स्थलीय विकिरण होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, यानी भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, सिंचाई नहर का मतलब जिससे खेत को सींचा जाता है, यानी खेती करने के लिए सबसे बड़ी नहर कौन सी है जिससे जल आता है, यानी सिंचाई से संबंधित कौन सी नहर है, तो है इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही, ठीक है। और हाँ आप सेट बिल्कुल लगाइए, जिसका जितना मार्क्स आया आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये हमें पता चले कि किसकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 97.25 है ना, 5 डिग्री पूर्वी, ये भी पूर्वी है ना, कि 77 डिग्री 6 पूर्वी और 68 डिग्री 6 पूर्वी, अब उसके बाद है 82 डिग्री 32 पूर्वी। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 97.25 होता है। अगर बात की जाए ये है देशांतर, ये देशांतर में पूछा है, अगर अक्षांश में पूछेगा तो क्या होगा, 68.7, 68 डिग्री 7 मिनट है ना, इस पे क्या होता है, ये अक्षांश है इसका, ये कौन सा अक्षांश है, पूर्वी है ना, पूर्वी यानी ईस्ट, ऐसे होता है इसका मानक, मतलब इसको माना गया है 68.37 97.25, ठीक है, ये होता है। और ये पूछा क्या, देशांतर, देशांतर पूछा है, तो ये अगर अक्षांश पूछेगा तो ये होगा 68.67 मिनट, इसे मिनट बोलते हैं है ना, 68.67 मिनट पूर्वी, ठीक है, और देशांतर पूछ दिया तो ये होगा, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। और यही में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश जो, उत्तरी अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो पूछेगा, तो उत्तरी अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है 8.4 है ना, 8.4 अक्षांश होता है, और जो देशांतर पूछेगा तो देशांतर होता है 37 डिग्री 6 मिनट है ना, देशांतर होता है। यहां से आपका दो दो क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना, 2 नंबर का क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ना, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, माना दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा और जोजीला दर्रा। देखिए इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जब आपका टॉपिक वाइज शुरू होगा है ना, क्लास, लाइव क्लास जब टॉपिक वाइज शुरू होगा तब हम आपके लिए दर्रा से संबंधित, नदियों से संबंधित, बड़ा छोटा जो भी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे है ना। अभी फिलहाल हम मॉक टेस्ट करते हैं, तो इसका क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है यानी जो पास है ना, कौन सा पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, माना, रोहतांग, नाथुला और जो जिला। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो जिला है
ना, जो जिला दर्रा जो है यानी जो जिला पास जो है श्रीनगर को ले से जोड़ता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर शेयर, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और मार्क्स अपने जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, मतलब 1 से 14 तक अगर वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ, मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है इसलिए हमने डाला है कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, तो बताइए गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जो है आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना, मान के होमवर्क है, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, है ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसे हम ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जानते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए ग्रीन हाउस गैस के रूप में हम किसे नहीं जानते हैं तो है हाइड्रोजन, है ना, हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मीथेन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। इस प्रकार से 6 गैस आते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस में कौन शामिल नहीं, ये क्वेश्चन था हमारा, तो ग्रीन हाउस में कौन सा शामिल नहीं है, हाइड्रोजन शामिल नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कि सभी। देखिए हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो इनमें से सभी है ना, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्रिटियम भी है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन इसमें से ये भी पूछ सकता है, प्रोटियम क्वेश्चन हमारा ये कभी पूछ सकता है कि प्रोटियम जो है वो किसका आइसोटोप है ना, प्रोटियम किसका आइसोटोप है, तो आप जान चुके हैं तो किसका बोलेंगे, हाइड्रोजन का, है ना। उसके बाद पूछेगा ड्यूटेरियम किसका, ड्यूटेरियम जो है वो किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का, ट्रिटियम, है ना, हाइड्रोजन। तो चलते हैं, जहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप होता है, यानी सबसे अधिक ताप जो है ना किसमें होता है, यानी ताप टेम्परेचर सबसे अधिक किसमें होता है। ठीक है, बताइए ऑप्शन ए है बर्फ, उबलते पानी, भाप, किन में सभी, आप बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए भाप तो क्या है, बर्फ क्या है ना, बर्फ जो है ठंडा होता है इसलिए इसमें ताप अधिक नहीं होगा, ताप इसका बहुत ही कम होता है, और उबलता पानी भी नहीं होगा, है ना, क्या होगा, भाप। ठीक है, जब हम गर्म पानी के ऊपर, है ना, गर्म पानी के ऊपर, गर्म पानी के अंदर नहीं, गर्म पानी के ऊपर, है ना, मान लीजिए हमारा क्या है, टब है और उसमें पानी गर्म किया हुआ है, ठीक है, और यहां से भाप निकलता है, ठीक है, और उस पर जाकर के अपना हाथ रखते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ लाल हो जाता है ना, यानी जल जाता है, जलने जैसा हो जाता है, इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिक ऊष्मा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और पूछ देगा भाप में हाथ हाथ जल्दी क्यों जल, मतलब हाथ हमारा क्यों जल, क्योंकि उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए हमारा जो हाथ है वो जल जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, और सही जो होगा भाप होगा, कि निम्न से सबसे अधिक ताप किसमें होता है, भाप में, और भाप में हाथ क्यों जल जाता है, गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे मतलब पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने, ये जो क्वेश्चन है हमने आपसे पहले भी मतलब पहले भी सेट में हो चुका है, इसलिए आप बताइए प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था। देखिए प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था रोमर ने, है ना, इसका इनका नाम था पूरा ओलॉस रूमर, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो सब देखते हैं। देखिए ये जो रिकेट्स है, रिकेट्स बीमारी जो होती है किसकी कमी कारण होती है, ये जो होती है विटामिन डी की कमी से, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ये हड्डी से संबंधित रोग होता है, और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है ना, विटामिन ए की कमी से, और रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो होता है लोहा की कमी से होता है। ठीक है, और ये जो बेरी बेरी है वो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी होगा, ठीक है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है ना, और ये जो हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये हड्डी जो है कान में यानी हमारे ईयर में पाई जाती है ना। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कहां पाया जाता है, कान में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां मिलता है ना, जो जैन वास्तुकला है उसका प्राचीनतम उदाहरण कहां मिलता है, ठीक है। ऑप्शन दिलवाड़ा, खजुराहो, पूरी, वाराणसी, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा। जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वो कहां मिलता है, दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा मंदिर जो है कहां है, आबू पर्वत पे, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि जैमिनी राय प्रसिद्ध थे, यानी जैमिनी राय जो थे वो प्रसिद्ध क्या थे, मतलब उनका वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, नृतक थे, अभिनेता थे, निर्माता थे कि पेंटर थे, है ना। जैमिनी राय जो थे वो क्या थे, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जैमिनी राय का संबंध जो था पेंटर से था, यानी वो पेंटर थे, है ना। जैमिनी राय पेंटर थी, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, है ना। ये हमने आपको पहले कल भी बताया था कि इससे पहले बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है ना, ये जो था बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बताइए, और ये भी बताया था कि ये कब हुआ था, है ना। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका टाइम क्या था, है ना, 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीम बेटका, है ना, ये गुफा है, मतलब भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन ये रहता है हमारा कि भीम बेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए, खनिज उत्पादन के लिए, कि सोन नदी का वहां से उद्गम स्थल है, कि गुफाओं शैलचित्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गुफाओं के शैलचित्र के लिए, है ना, गुफाओं के शैलचित्र के लिए ये जो है भीम बेटका प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन हमारा ये देता है कि भीम बेटका की गुफाएं जो है कहाँ है, तो भीम बेटका के जो गुफाएं है वो है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं स्थित है, है ना। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे उनका संबंध किस खेल से, मोटर रेसिंग, कि फुटबॉल थे, कि लॉन टेनिस से, कि मुक्केबाजी से, बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल, है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे वो किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से, वो एक क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, इसलिए हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि टेलीफोन का आविष्कार, यानी टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, है ना, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, की जेल वेयर्ड, स्टीवन, है ना, वेंसन और न्यूटन, आप बताइए। देखिए टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, है ना। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, ठीक है। और जेल वेयर्ड ने क्या किया था, टीवी का किया था, ठीक है। और न्यूटन ने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया, और टेलीफोन ग्राहम बेल, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ, मतलब भारत सरकार जो है अपना वित्त विधेयक, वित्त का मतलब पैसा रुपया से संबंधित जो भी विधेयक है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ऊपरी सदन में, कि मिडिल हाउस, है ना, कि निचली सदन, ऊपरी सदन को राज्यसभा बोलते हैं और निचली सदन को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, और कच्चा घर, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए भारत सरकार का वित्त विधेयक जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, है ना, यह लोकसभा यानी निचली सदन, ना लोअर हाउस, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। धन विधेयक हम कहां विधेयक कर, धन विधेयक या वित्त विधेयक इसे बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निचली सदन में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का पहला स्पीकर स्पीकर कौन थे, है ना, लोकसभा में पहले स्पीकर कौन थे, के मुंशी,
डी देशमुख, जीवी मालवणकर और एच जी कानिया, बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीवी मालवणकर। लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे जीवी मालवणकर, इनका है ना, इनका पूरा नाम जो था गणेश वासुदेव मालवणकर, है ना, गणेश वासुदेव मालवणकर, ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवी मालवणकर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है ना, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा है, आलू की पत्तियों का मुड़ना, है ना, मतलब कैसे पता चलता है कवक रोग हुआ इसमें, कि आलू की पत्तियों का मुड़ जाना, कपास का विल्ट, है ना, चावल में तुषार और आलू में भूरी सड़ा, अब बताइए, है ना, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए फसल संयंत्र का कवक रोग का पता चलता है, मतलब निम्न में से कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी यानी कपास का विल्ट, है ना, कपास का विल्ट जो है कवक रोग, है ना, ये कवक रोग, कपास में जो विल्ट होता है उसको कवक रोग से संबंधित, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, है ना, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ।